जिस महूरियान वाहर महूसीरोन व गुसलहू माउल करबला ओ मजलूम जिंदा गुसल करबला दी रेत बनिए इतने जख्म लगे न मेरे पाक मौला दे जिस्म ते किताब वाले लिखे यक हजार नौ सद पंजा जख्म बर बदने हुसैन बाशत एक हजार नौ सौ पंजा जख्म यो जड़े हुसैन दे कुर्ते ते गिने गए देर तक लोग गिणते रहे शबीर दे जिस्म ते पाए कुर्ते ते कितने जख्म अगर अंदर दे जख्म में पड़ा तो अकबर दे जख्म है कासम दे जख्म है असगर दे जख्म यक हजार नौ सौ पंजा जख्म जिसम ते आबरू कटे हो पत्थरां ते पत्थरां दे जख्म तलवारां ते नेजियां दे जख्म जिसनु कुछ नहीं मिलदा करबला दी गरम रेत हुसैन दे जिसम ते सुट जख्मां विच चूर जहरा दा पुत्र दरवाजे दे बाहर आकड़े औले औले फरमेंदे या ज़ैनबो व या उम्मा कुलसूमिन व या फिजा तो जारिया तो उम्मी जहरा वया सकीना तो अलैकुन्ना मिन्नी सलाम सैयदा दे भैनी वो मेरा खीरी सलाम होवेन भैन जड़ी खैमे दे अंदर खड़ी हुई आई इवें कनात दे कोल आके पाक सैन फरमेंदेन हुसैन मेरे जई भैन नू मिलना भी ओ भी अखीरी वार ते वीर खैमे दे बाहर क्यों खड़े अंदर ता लंगा जदुआ कहने वीर एक वारी अंदर ते लंगा शब्बीर फरमे दिन भेण जिसम ते इतने जख्म इन खून विच गलताना मैनू डर है तेरा कोई बाल वेख के मरना वंजे जदू गल कीती है पाक बीबी दी आवाज आंदी है हुसैन ओ अकबर ते कासम तेरी फौज आई सकीना ते रुबाब मेरी फौज है अपनी फौज नू ता आजमाई खड़े जरा अंदर आ के मेरी फौज आजमा इतना बर्दाश्त जरूर है तेरिया धीया बर्दाश्त करे सन बिस्मिल्ला पढ़ के कदम चाहे मौला बड़ी कना दे अंदरों आए चौवठ मस्तूर ने हाला पाए जिमें काबे नू हाजी पहनदे इर्द गिर्द इवें चक्कर लावना शुरू कीता ने मेरी पाक सैन मेरी सैन सत चक्कर हुसैन दे इर्द गिर्द लैन भावे ते जितना जख्मी आ जहरा दे पुत्र हथ चाया भेण दे मुंडे च रखे ने रुकी है मेरी सैन आवाज आंदे वे सैन भेण इंज मेरा इर्द गिर्द चक्कर लाए ने जिमें काबे दा हाजी तवाफ करे ने बीबी रो के आदिए वीर वो सत चक्कर ला के मैं तेरे पूरे जिसम दा मुतालिया कीता है भैन गरीब नू यो जी जा नजर नहीं आई जो बोसा गिना इतने जख्म वीर अल्लाह जाने किवें जींदा वदाए शब्बीर उस वेले अपना गल वधाया आवाज आंदा भैन आ मेरी गल दा बोसा गिन मेरी पाक सैन जल्दी नाल वीर दे गल दा बोसा गिन
शब्बीर की आवाज आती है, भैन अपनी मां नाल कीता होया वादा पूरा कीता ही, मैं भी तो वादा कीता। अखीरी बारी मैनू मां आख्या जदन आखिरी सलाम करना वे तां भैन दा सर जरूर चुमे, करीबा जरा चादर तत्हीर हटा, मैं आदा उजाल चुमा जड़ी नेरे नाल आउणी ने। अज रुकमर अल्लाह, मैं एक हमेशा हर साल छोटा जा वाकया पढ़ना, किमला साहब पढ़नगे। आदन चार कातल सईद उल शोहदा दे भेजे गए, वो जरा सामने जख्म चूर है ना, बस इसका सर कलम करने। एक कोल आए आके डिठस वापस वल गए, उमर बिन साद आंदे तू ते वादा करके गया हूं क्यों मुड़ाए, आंदे जिसनों मैं वेख के आया ना मेरे मारन की लोड़ नहीं, थोड़े लाजे का मेहमान है आपे मर वैसी। दूजा कोल आके डिठस आदे जो मैं वापस वल्ले, आदे तू क्यों वल्ले, आदे मैं ता वल्या वो अकला नहीं, उदे कोल तो नबी मुहम्मद बैठे न, वह जिसनों मारन पे भेज दो एक नहीं, उदे नाल ते उदा भरा हुसैन हसन भी है। तीसरा आया है वह आदा तुसी मेरे को पांच तन पाक मरवाने, कोई भी नहीं आया। साहिब किताब लिख दे इस बंदे का नाम बाकिलुल उयून है, और साढ़े कुछ लोग इसनों कैस भी आते हैं, ये गैर मुसलम। यह तारीख लिखण वाला बंदा इसनों आख्या ने तू गैर मजहब है तू मार, रे दी हुकूमत तेन मिलसी, हीरो जवरात तेन मिलसन, वादा करके इसनों भेजा ने। शब्बीर दा रोणा लिया टुरिया है इवें जो उस पासे टुरे जिथे मजलूम गरम रेत तलवार दे कब्जे ते अपना मत्था रख के बैठा होया है। सामने दरवाजे ते मेरी पाक सैन फिजा डिठे, जल्दी नाल अंदर आके आदिए जैनब धी, इंज लगदा है हुण कोई गैर मुस्लिम पे आवेंदे। बीबी दी आवाज आंदी है अम्मा फिजा जल्दी वन, मैनू यकीन है मुबाले आले दिन भी गैर मुसलमा मेरी माँ दा लिहाज कीता, ए भी कोई गैर मुसलम है यकीनन मेरा लिहाज करे सी। वन के नू सड़ के मेरे कोल घिन्ना, मेरी पाक बीबी जल्दी नाल जनाब फिजा रस्ते चाहियन टुरदा जो हाई कैस, ओले 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 आवाज आंदे अस्सलामु अलैका अय्युह शेख, शेख मेरा सलाम हो भी कैस लफ सुने जल्दी नाल कण की तस, आदे बीबी तेरी गुफ्तगू तू मालूम होंदा है किसे शरीफ खानदान नी, जे मैन सड़ावना ही तां कै बाल नू भेजिया, हौले हौले आवाज आंदे साडा ते असगर दुनिया तू टुर गया है, साडा कासम तकसीम हो गया है, मेरा तरिया ही कोई नहीं, तो वल बीबी मैनू क्यों सड़ेंदी है। आवाज आंदा है ओ जिस मजलूम नू मारन पिया वेने उससे दी बहन खैमे दे अंदर तेनू याद करेंदी है। हुण अगू अगू जनाब फिजा पिछे पिछे कैस दरवाजे ते आ खड़न, बीबी की आवाज आती है मैनू ये दसा क्यों प्या मरे ने, आदा मैनू इनाम मिल सी मैनू इकराम मिल सी। उसले बीबी की आवाज आती है जे मैं देवा तो छोड़े से, आदा मेरा तो मकसद इनाम ना ले, ओ मैं कुर्बान वंजा। बीबी अंदर आई है खैमिया दे विच, बीबी आदि है माइयो भरजाइयो जे किसे कोल कोई जेवर आवे तां दियो, हो सकता है मेरा वीर बच पवे, मेरी पाक सैनिक जमीन ते गठली बनाई है। इवें जनाब फिजा नू दे के आदन इस नू दे गठली सामने आ, इस वे के आद ए काफी नहीं। उसले पाक बीबी आदी है फिजा मैनू कलम दवा दे, पाक फिजा कलम दवात पेश कीता है। बीबी कत लिख के आदी है अब्दुल्ला
मेरे हिस्से दा हक मैर, जितनी जायदाद मेरी शाम च भी जितनी मदीने च, मैं पिया दिया ए आंदा पिया ए इसनू चा दे। खत लिख के मेरी पाक सैन इसके हवाले कीतस, वह क्या दै मैं अजमावना है काफ़ी नहीं, शबीर जरावना ले होए गल करनी आई मेरी सैन जलाल आया है। बीबी आदि फिजा कलम दुआ दे मैनू जन्नत दी रसीद देनी आ, बीबी जन्नत दी रसीद लिख के पेश की थी है भावे ते गैर मुसलमा, इवें जो दीद पे इस मुँह ते पिट के आ दे, जन्नत दी रसीदा ते इंज पे देनी है जिवें जहरा दी धी है, जन्नत ते इंज पे देनी है जिवें नबी दी धी है। ए लफ्ज़ औणन बीबिया दियो जिसनू मारन पिया वेंदे, इहो त जहरा दा पुत्र हुसैनी, इहो त नबी दे मोहर दा सवारी, इहो त अली दा पुत्री। अकेला रह गया मकतल में जब मेरा मौला, सिपाहे शाम ने चारों तरफ से घेर लिया, लबे फुरात था हर एक खून का प्यासा, था गुल चरागे इमामत अभी बुझाना है, जमीन पे जीन से शबीर को गिराना है। और ये सुन के संग किसी ने जबीन पर मारा, किसी ने पहलू में बरछे का फल उतार दिया, किसी ने सामने आकर चलाई तेग जफा, गरीब जारा काजी पर संभलना मुश्किल था, अली और जहरा को रन में रुलाया जाता है, हुसैन गिरते नहीं थे गिराया जाता है। अभी साजिद शाह जी पढ़ रहे थे कि जख्मों की तादाद इतनी थी कि गिने नहीं जाते थे, तलवार के ऊपर नेजे का जख्म, नेजे के ऊपर तीर का जख्म। अज़ादारों, किसी के पास कुछ भी नहीं था ना, उसने गर्म रेत उठा के मौला के जख्मों पे डाली थी, तीर का जख्म लगा, तलवार का जख्म लगा, हर जख्म लगा, जो जो जख्म लगा है तो मौला ने किस किस को याद किया है सुनिएगा। कि लगा जो तीर तो असगर को शैन याद किया, पुकारा गाजी को जिस वक्त सर पे गुर्ज लगा, लगी जो बरछी तो अकबर को दी तड़प के सदा, तमाचा खोले ने मारा तो बोले या जहरा, अली को याद किया से पे जरब चलते हुए,
हसन को याद किया मुँह से खून गलते हुए। और पड़ा था दश्त में बेजान बतूल का बेटा, हुसैन जिंदा है क्या शेर से किसी ने कहा, करीब जाके ये दिशेम्र ने फिर हंस के सदा, वो देखो आ गई मकतल से सानिये जहरा। ये सुनते ही शहे दिलगीर उठ के बैठ गए, बहन के नाम पे शब्बीर उठ के बैठ गए। और आखिर शेर देखिए कि रकम किया है ये रावी ने दर्द का मंजर, के चलने वाला था जिस दम हुसैन पर खंजर, बहन के आगे खड़ी थी हुसैन की दुख्तर, कहा ये शेम्र से उस दम गरीब ने रो कर, मेरी सकीना कहीं दम न तोड़ दे जालिम, तू रहम कर मेरे बालों को छोड़ दे जालिम। अदादारो जनाब अब्बास तारीखा दिए मशक पाके किबला साजिद शाह जी, सत या अठ कदम जनाब अब्बास ने चाहन जा खैमे दे अंदरों वाली दी धी दी हक्कल आई है, बीबी हक्कल मार के आ दी है, घो आगाजी घोड़ा खयाम च घिनला, जनाब अब्बास दा घोड़ा उम्मल मुसाहिब दे खैमे च आए, मंडी सैन ने बिरा दे पासे डिठे वैन करके बीबी आ दी है, जे वैंदा ए ता वाल वंज गाजी ते हिक मिन्ना तमशीर ते लाई वल, बेबिया दिए गल मिलने ले जेवर, कैदियां वाले जिमें पावड़े ने समझ आई वल, बेबिया दिए किवें टुरना सौड़िया गलियां विच, वो मैं को टुर के वीर दिखाई वल, रवेंदी यो गल जियो बेबिया दिए किवें बोलने ना, शराबियां दे मैं को बोल के वीर दिखाई। चला अपने गम च कला ना रोवे, रोवण आले आदादार हो, गाजी दा घोड़ा खयाम च आए, बीबी दी आवाज आंदी है, गाजी मैदान जाने तू जाने, शाम जाना मैं ज़ैनब जाना, और सदा त्यारे सदा जनाब अब्बास ने जीन ते आवण दा इरादा कीता है। तारीख आ दी है जनाब अब्बास इक दफा सज्जे डिठे वत खब्बे डिठे वत सामने डिठा ने कण दे पिछों डिठा ने, मैडी सैन फिजा दी आवाज आंदी है, अब्बास कहनू वदा को ले लै, वो जवानो मातमियो जनाब अब्बास दी आवाज आंदी है, अम्मा फिजा जदा मैं पहले सवार आंदा, कै पासू अकबर आके घोड़े दी वाग च हथ रखदा, कै पासू कासम आके घोड़े दी वाग च हथ रखदा, गाजी दी आवाज आंदी है, अज कोई होवे आ जड़ा मैं कू सवार करावे आ, और रोवण आले आदा दारू अब्बास मौला दी
ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆਈ ਜਾਂ ਮਹਿੰਦੀ ਆਲਾ ਥਿੱਕ ਕੋਚ ਜਾਏ ਅਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਜੜਾ ਮੈਂ ਕਸਮ ਦੀ ਮਾਂ ਜਣਾ ਬਣਾਈਆਂ ਉਹ ਸ਼ਰੀਫ ਅਦਾਦਾਰੋ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਸਦਾਤ ਗਹਿਰੇ ਸਦਾਤ ਉਮਲ ਮੁਸੈਬ ਪਰਦੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਜਨਾਬ ਅਬਾਸ ਘੋੜੇ ਦੀ ਜੀਨ ਜਾਇਨ ਉਹ ਸਦਾਤ ਗਹਿਰੇ ਸਦਾਤ ਮਾਤਮ ਪੜ੍ਹਨੇ ਤੇ ਮਾਤਮ ਤੁਸਾਂ ਕਰਨੇ ਉਸ ਦਵਾਨੋ ਮਾਤਮੀਓ ਗਾਜ਼ੀ ਜੀਨ ਚਾਹੇ ਮੈਦਾਨ ਚਾਹੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਆਏ ਮਸ਼ਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰੀਏਸ ਸੋਹਣਾ ਵਧਾ ਲੜਦਾ ਜਨਾਬ ਅਬਾਸ ਕਈ ਕਈ ਮੀਲ ਤੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਵਿਆ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਵਿਆ ਸ਼ਾਬਾਸ ਮਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਔਲਾਦ ਵਾਲਿਓ ਲੜਦਾ ਖੜਾ ਮੈਂ ਆਖ ਛੋੜੇ ਤੁਸਾਂ ਧੀਆਂ ਵਾਲਿਓ ਸੁਣ ਛੋੜੇ ਤਾਰੀਖ ਆਦੀ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਧੀ ਸਕੀਨਾ ਟੁਰਦੀ ਟੁਰਦੀ ਉੱਥਾਂ ਆਈਏ ਜਿੱਥਾਂ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਖੜੇ ਆਏ ਬੀਬੀ ਹੱਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਦੀਏ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਕੋ ਚਾਚਾ ਮਿਲਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਜ਼ਾਜ ਰਲੇਂਦੇ ਆਏ ਵੇ ਜਿਹੜੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਪਿਓ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕਿਬਲਾ ਸਾਜੇ ਚਾਹ ਜੀ ਦਾਦਾ ਮਣੀ ਸੈਣ ਸਕੀਨਾ ਆਖੇ ਮੈਂ ਕੋ ਚਾਚਾ ਮਿਲਾ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਕੀਨਾ ਗਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਤੈਂ ਟੋਰੇ ਮਨ ਮੈਦਾਨ ਦੋ ਡੇਕ ਉਹ ਜਵਾਨੋ ਮਾਤਮੀਓ ਮਣੀ ਸੈਣ ਸਕੀਨਾ ਨਿਗਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਆ ਡਿੱਠੇ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਮਾਰੋ ਮਾਰੋ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਏ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਵੱਲੀ ਹੈ ਹੱਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਦੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਮਾਰੋ ਮਾਰੋ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਮੈਂ ਕੋ ਚਾਚਾ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਉਹ ਜਵਾਨ ਲਓ ਮਾਤਮੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਨੇ ਧੀ ਨੂੰ ਕਮਰ ਤੂੰ ਚਾਹ ਕੇ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਦਾਤ ਕਰੇ ਸਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਡੇਂਦੀ ਖੜੀ ਆਈ ਅੱਲਾ ਲਾਨਤ ਕਰੇ ਹਕੀਮ ਬਿਨ ਤੂੰ ਫੈਲ ਤੇ ਇਹ ਹਰਾਮੀ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਗਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸੱਜਾ ਬਾਜ਼ੂ ਕਲਮ ਹੋਇਆ ਗਾਜ਼ੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੰਜ ਵੇ ਸਕੀਨਾ ਦੀ ਵੇ ਲਗੀ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਡੇਂਦੀ ਖੜੀ ਆਈ ਬੇ ਹਰਾਮੀ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਰੀਖ ਵਾਲਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਜ਼ੈਦ ਬਿਨ ਵਰਕਾ ਇਹ ਹਰਾਮੀ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਗਾਜ਼ੀ ਦਾ ਖੱਬਾ ਬਾਜ਼ੂ ਕਲਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਤਨੇ ਅਦਾਦਾਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕੁੰਡ ਸਾਹਿਬ ਬਾਜ਼ੂ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਕਲਮ ਹੋ ਗਏ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਘੋੜੇ ਦੀ ਜ਼ੀਨ ਤੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਆਦਾ ਪੀਆਂ ਹੱਥ ਕਲਮ ਥੀ ਗਏ ਜਦਾਂ ਗਾਜ਼ੀ ਦੇ ਤਰੁੱਟ ਮਾਣ ਗਿਆ ਸ਼ੁਰਫਾ ਦਾ ਉਹ ਸਰ ਰੱਖ ਰਹਾਵਾਰ ਦੀ ਗਰਦਨ ਤੇ ਰਿਆ ਗਾਜ਼ੀ ਵੱਲ ਵੱਲ ਆਦਾ ਗਾਜ਼ੀ ਆਦੇ ਪਾਸ ਗਿਲ ਮੰਜ ਹਾਏ ਵਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋਵੇ ਢੇਰ ਹਜੋਮ ਸਿਪਾਦਾ ਗਾਜ਼ੀ ਆਦੇ ਮੈਂ ਕੂ ਆਖਰੀ ਵੇਲੇ ਹਾਏ ਵਜ਼ੀਨ ਤੂੰ ਲਾਂਦਾ ਨਾ ਦੇਖੇ ਚੱਲ ਜ਼ਹਰਾ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮੁਕਾਨ ਲਹਿ ਗਿਆ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਪੁਰਦਾ ਪਰਦਾ ਉਹ ਸਦਾਤ ਗਹਿਰੇ ਸਦਾਤ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲੱਥਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਦਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਬਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਭਾਵੇਂ ਅਕਬਰ ਜੀ ਆ ਪੁੱਤਰ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਜਨਾਬ ਹਸਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕੋਈ ਸਦਾਤ ਗਹਿਰੇ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾ ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜੱਦਾਂ ਜਨਾਬ ਅੱਬਾ ਦਰਿਆ ਦੀ ਮਣ ਤੇ ਲੱਥੇ ਨੇ ਤਾਰੀਖ ਆਦੀ ਹੈ ਸੱਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਜਾਮ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਰੂਹ ਪਰਵਾਜ਼ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਰੀਫ ਅਦਾਦਾਰੋ ਜੱਦਾਂ ਜਨਾਬ ਅੱਬਾਸ ਲੱਥੇ ਨੇ ਇੱਦੂ ਹੁਸੈਨ ਮੌਲਾ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉੱਠੀਂਦੇ ਤੇ ਜਣ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉੱਠੀਂਦੇ ਤੇ ਜਣ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਹਕਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸੈਯਦਾ ਨੇ ਮੈਂ ਤੂੰ ਦੂਰ ਨਵਾਂਜ ਨੀ ਮਿਟੁਰ ਸੰਗਦਾ ਤੇ ਜੁਕ ਕਮਰ ਗਰੀਬ ਦੀ ਗਈ ਏ ਸੈਯਦਾ ਦੇ ਮੈਂ ਜੀਂਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂਡਾ ਚੱਲ ਗਾਜ਼ੀ ਮੈਂਡੀ ਲਾਸ਼ ਸਦੇਂਦੀ ਪਈ ਏ ਉਹ ਜਵਾਨੋ ਲੈ ਗਿਆ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਔਖੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸੌਖੇ ਮੈਂ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਹੁਸੈਨ ਬਿਰਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤਾਰੀਖ ਆਦੀ ਹਰ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਛਾ ਕੇ ਖਿਆਮ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਵਾਨੋ ਮਾਤਮੀਓ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਇਤਨਾ ਹੀ ਆਦਾ ਕਿਬਲਾ ਸਾਜਦ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਇਮਾਮ ਨੇ ਗਾਜ਼ੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਚਾਵਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਰੀਖ ਆਦੀ ਹੈ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲਾਸ਼ ਸੱਜਿਓ ਚੈਂਦੇ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਖਬਿਓ ਜਣ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵੱਤ ਖਬਿਓ ਚੈਂਦੇ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਸੱਜਿਓ ਜਣ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕੱਪੇ ਗੱਲ ਚੂ ਗਾਜ਼ੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਮੰਡੀ ਲਾਸ਼ ਨੱਚਾ ਓ ਮੈਂ ਅਕਬਰ ਲਈ
ते अब्बास ने रो फरमाया गाजिया दे मैं डेंदर तू साठे के तलिया ओ बाऊ ओ का अकबर जाया गाजिया दे तंडे गल विच अकबर पाई पाया तेंडा पुत्र हसाथ निभाया रोवण वाली गल सैयदा दे मेंडी है मजबूरी मेंडे हाथ कोई नहीं तू थका होए जहरा आखिरी लव छोड़न लगा मिंबर शरीफ अदादारो हुसैन बादशाह दे गाजी दी लाश नहीं चवी गई मेरे तेरे इमाम ने मशक दे टुकड़े चैन अलम चाह के टुरदे आंदे इदू पर देदारा दी केड़ी हालत है आदा पिया लत्था जीन तू आसरा तसिया दा ते झुक झोले आए अल्लाम निशाने अब्बास दी बैन ने वेले कीता खैमिया विच एलाने बीबी आदिये मैं कोई नहीं जामिन हद्वाडे पर दिया दी हर बीबी खुद निगराने आवाज आंदे मैंडा लह गया बुरका मैंडा लह गया गाजी हाय वजीन ओ तू ओ मैंडी कैद दा हुण इमक सर दे किराए हक में हुआ सरफराज काऊं और गुजरा है बरछियों में इबादत नवाज काऊं मस्जिद के सामने तुझे मातम है नागवार अरे देते न सर हुसैन तो पढ़ता नमाज काऊं शब्बीर उजड़ता हुआ दीन संवारा तूने और जेर खंजर भी है खालिक को पुकारा तूने अय्यूब पैगंबर से भी ना वो लम्हे गुजरते जो वक्त के तीरों में गुजारा तूने सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद मोमिनीन सुशमना शब्बीर तेरे पीर तो लाना एक मुअद्दबाना गुजारिश है कि 10 मुहर्रम को बहुत से लोग जो एक साल एक दूसरे को नहीं देखते उनकी इस दिन आपस में मुलाकात होती है। मेरी 10 बस्ता गुजारिश है अगर हो सके अगर मुमकिन हो तो मुसाफा ना करें। आज सैनब के उछड़ने का दिन है और उलमा मुज्तहिदीन ने फरमाया है कि जब मोमन एक दूसरे को देखें रोज़े शब आशूर और रोज़े आशूर खसूसन तो कातलान इमाम हुसैन पर लानत करें। शिमर पर लानत, हुरमल पर लानत, खूली पर लानत और अगर सम अप करूं यजीद पर लानत तो बात एक की नहीं बड़ी दुनिया थी। कुछ सामने थे कुछ पसे पर्दा थे तो उन सब को उसमें शामिल करते हुए कत्ल जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की साजिश में जो जो लोग और जहाँ जहाँ लोग इस साजिश में शरीक हुए उनकी उनका हज़ार बार उन पर लानत। दो तीन बातें आपके गोश गुजार करना चाहता हूं आज के अगले प्रोग्राम के लिए। 10:30 तक यानी अगले 20-25 मिनट मौलाना साहब सरकार सईद उशहदा की शहादत का जिक्र करेंगे और ठीक 10:30-10:35 पर हम बाहर निकलेंगे कार पार्क ओनली। प्लीज़ आप फौरन सड़क पर ना चले जाएं क्योंकि हमने अरेंज करना है। बाहर गाड़ियां हमारी आई हुई हैं जो हमें कंट्रोल करेंगी जब हम सड़क पर जाएंगे। तो प्लीज़ फौरी तौर पर आपने बाहर गेट से नहीं जाना, कार पार्क में असम्बल होना है।
वहाँ हम मातम करेंगे, नुआखानी करेंगे, और जब हम नुआखानी और मातम बाहर करेंगे तो लेडीज़ की यहाँ मजलिस होगी। कत्ले हुसैन असल में
का जुलूस इमामिया मिशन लंदन से बरामद हो चुका है। हम इमामिया मिशन के हाल से बाहर तशरीफ़ ले आए हैं मामले मोमिनीन, और यह जुलूस अपने अपने रास्ते मुकर्रर रास्ते से होता हुआ वापस से इंशाल्लाह वापस इमामिया मिशन में इमाम बारगाह में इख्तिताम पज़ीर होगा। जिस तरह से मैंने पहले जिक्र किया कि हम रस्ते में जुलूस में जितने भी हमारे मौजूद शख्सियात हैं हम उनके तासरात भी जानेंगे। इसी तरह से बहुत ही मरूफ और मरूफ शख्सियत हैं और जियो टी वी की जान हैं जनाब सैयद मुर्तज़ा अली शाह साहब आज हमारे साथ हैं और हमेशा से हदायत टी वी के साथ तामन करते हैं और ये इमामी मिशन में भी तशरीफ़ लाते हैं शाह मुहर्रमुल हराम में। हम इनके तहे दिल से मशकूर हैं इनके लिए, इन्होंने कवरेज भी की जियो टी वी ने और मुर्तज़ा अली शाह साहब ने, और आज इमाम मज़लूम करबला को पुरसा देने के लिए इमामी मिशन में और जुलूस इमाम मज़लूम करबला में तशरीफ़ लाए। हम जाना इनसे जानना चाहेंगे कि वो आज के दिन से अपना क्या मैसेज पास करते हैं। क्या जो नवासा रसूल के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की उनकी याद में और उनकी जो लाजवाल कुर्बानी है उसको खराज अकीदत पेश करने के लिए आप देख रहे हैं कि आज यहाँ पर ना सिर्फ ये कि यहाँ पे जो जो मोमिनीन है वो यहाँ पर मौजूद हैं, जो भी कलमा गो हैं, जो भी कलमा जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पर जो यकीन रखते हैं वो सारे लोग आज यहाँ पर मौजूद हैं। चूँकि अगर आज इस्लाम ज़िंदा है तो वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके जो रफ़क़ात थे करबला में उनकी कुर्बानियों की वजह से, और आज आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो पाकिस्तानी मीडिया के तकरीबन जितने जो चैनल्स हैं वो सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हर साल यहाँ पर मौजूद होते हैं। चूँकि जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो उनकी शख्सियत थी, जो उनकी कुर्बानी, जो उनका फ़लसफा था, वो उनके जो इस्लाम है, जो इस्लाम की वैदानियत है, जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैसेज है, उसको अगर कोई वाहिद ऐसा कोई जो फ़लसफा है जो जो मुतहिद करता है, जो उम्मत को मुतहिद करता है, तो ये वही फ़लसफा है जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया, और फिर उसको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम लेकर चले और करबला में अपनी कुर्बानियों के ज़रिए उन्होंने हक और बातिल के दरमियान उन्होंने जो तफरीक है उसको वाज़े कर दिया। और यही वजह है कि आप देख रहे हैं कि आज का जो जुलूस है इसमें ना सिर्फ के मोमिनीन शिया हज़रात शामिल हैं बल्कि मुख्तलिफ जो जो सुन्नी मुसलमान हैं, मुख्तलिफ मकातबे फ़िक्र के लोग हैं, वो भी सारे यहाँ पर मौजूद हैं। जी बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा अली शाह साहब ने बड़ा खूबसूरत मैसेज दिया कि आज अगर कलमा ज़िंदा है तो वह हुसैन इब्न अली की वजह से है, और अगर नमाज ज़िंदा है तो उसको भी इमाम मज़लूम करबला ने ये साबित किया अपने यज़ीद के सामने बैत ना करके कि आज कलमा मुसलमानों को पढ़ा जा रहा है। अगर इमाम हुसैन इस्लाम इस पर कायम ना रहते तो आज हर तरफ
पनाही तो नबी दाए हसन बाए जरी पुश्त पनाही तो नबी सर पे खुदा वंद जली सर पे खुदा वंद जली सी नसीबर जहरा अली जहरा अली मेरे मौला को मयसर है खजाना कैसा इनका रुतबा है इमामों में शहाना कैसा कैसे कैसे है नसीबों में उजाले इनके मेरे आका को मिला है ये घराना कैसा मरहबा मुस्तफा की बात में बाखुदा सारी कायनात में गूंज रहा है बस एक नाम हुसैन हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम लाखों दुरूद आप पे लाखों सलाम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अल्लाह ने क्या खूब सवारा है सरकार के आंगन में उतारा है हर कौम की आंखों का सितारा है हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जिंदा है हुसैन उसका है किरदार भी जिंदा किरदार जो जिंदा है तो मैयार भी जिंदा मैयार जो जिंदा है तो अफकार भी जिंदा अफकार जो जिंदा तो अजादार भी जिंदा इब्तिदा इब्तिदा मुस्तफा के दोष पर इंतहा इंतहा फैज़े पर बुलंद सर गूंज रहा है बस एक नाम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कदम कदम नगर नगरिया हुसैन दिलम दिलम नजर नजरिया हुसैन सदाकतों की राह गुजरिया हुसैन कहो कहो चश्मे दरिया हुसैन तारीख में इस जैसा ना इंसान मिलेगा ऐसा ना कोई आशिक रहमान मिलेगा ना ऐसा कोई शाह शहीदान मिलेगा ना ऐसा कोई सब्र का सुल्तान मिलेगा हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अल्लाह ने क्या खूब सवारा है सरकार के आंगन में उतारा है हर कौम की आंखों का सितारा है हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हर दिल में गमे सैयद अबरार मिलेगा हर दौर में मजलूम का गम ख्वार मिलेगा हर कौम में शब्बीर का जव्वार मिलेगा हर मुल्क में मौला का आजादार मिलेगा हर जगह मोमिनों के दरमियां ऐ सदा धड़कनों के दरमियां गूंज रहा है बस एक नाम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कदम कदम नगर नगरिया हुसैन दिलम दिलम नजर नजरिया हुसैन सदाकतों की राह गुजरिया हुसैन कहो कहो चश्मे दरिया हुसैन हाथों में अलम थामे वो आता है आजादार हाँ मजलिस मातम में ही रहता है आजादार माँ बाप हुसैनी हो तो बनता है आजादार मौला ये तुम्हारा है आजादार सिलसिला सिलसिला ये अजा का सिलसिला
ख्वाबता करबला से नाबता गूंज रहा है बस एक नाम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने क्या खूब संवारा है सरकार के आंगन में उतारा है हर कौम की आंखों का सितारा है हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। शब्बीर का दिल देखे जरा देखे जमाना वल्लाह कहा था जो वही करके दिखाया खुशनूदी खालक में भरे घर को लुटाया नैजे पे भी आया तो उसी शान से आया बादशाह बादशाह दिलों का बादशाह छा गया तो जहाँ पे छा गया गूंज रहा है बस एक नाम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। कदम कदम नगर नगर या हुसैन दिलम दिलम नजर नजर या हुसैन सदाकतों की राह गुजर या हुसैन कहो कहो चश्मे तरी या हुसैन से मखल में कदम रखता है शब्बीर कब जाने की परवाह किया करता है शब्बीर डरता है न झुकता है न घबराता है शब्बीर लाखों भी मुखालिफ हो तो सच कहता है शब्बीर हौसला हौसला शाहिदी का हौसला सुन सदा जो जहां की है सदा गूंज रहा है बस एक नाम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने क्या खूब संवारा है सरकार के आंगन में उतारा है हर कौम की आंखों का सितारा है हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। हाँ आओ करें हम शहे अबरार का मातम इस्लाम के मोहसिन का मददगार का मातम असगर अली अकबर का और अंसार का मातम ज़ैनब का सकीना का आलमगार का मातम बे खता है गरीब सैयदा है बपा तेरा गम जगह जगह गूंज रहा है बस एक नाम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। हसन खाए जली पुश्त पनाही को नबी सर पे खुदा बंद जली सीना से पर जहरा अली खाए हसन खाए जली पुश्त पनाही को नबी सर पे खुदा बंद जली सीना से पर जहरा अली हजरत इमाम हुसैन हुसैन हजरत इमाम हुसैन हुसैन हजरत इमाम हुसैन हुसैन आए शह मशरकैन दिल जहरा के चैन का मेरे मौला हुसैन हजरत इमाम हुसैन हजरत इमाम हुसैन हुसैन आली मकाम हुसैन हुसैन आली मकाम हुसैन हुसैन तुम पे सलाम हुसैन हुसैन तुम पे सलाम हुसैन हुसैन हजरत इमाम हुसैन हुसैन हजरत इमाम हुसैन हुसैन आए शहे करबला आपका घर लुट गया वादा वफा कर दिया हजरत इमाम हुसैन हुसैन हजरत इमाम हुसैन हुसैन शाह जमन हुसैन हुसैन जख्मी बदन हुसैन हुसैन कृष्णा दहन हुसैन हुसैन हजरत इमाम 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 हुसैन हुसैन। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये सबील का और मोमिनीन
पहुँचा है और यहाँ पे मातमदारी होगी और मुख्तसर सी मजलिस होगी और उसके बाद इख्तिताम पज़ीर होगा। और हमारे साथ जनाब क़िबला सैयद कमर शाह साहब मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि वो आज के दिन के को किस तरह से देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आप सब जानते हैं जैसे कि आज यौम आशूर है, 10 मुहर्रम अल हराम है और हम सब लोग यहाँ पर नवासा रसूल को, शुदाए करबला को खराज अकीदत पेश करने, सलाम पेश करने अकीदत के लिए हाज़िर हुए हैं। और मैं समझता हूँ पूरी दुनिया में तमाम इंसान आज उनकी आंखें नम हैं और वो इस गम में शरीक हैं। और इस मौके पर मैं इमामिया मिशन के इंतज़ामिया को सलाम पेश करूँगा जिन्होंने इतने आला इंतज़ाम किए हैं और इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है तमाम मोमिनीन को और मोमिनात को। बिस्मिल्लाह। खून चितार हथ जालम दे मकुआ जर रिसालत दे रे तड़ खून चितार हथ जालम दे मकुआ जर रिसालत दे रे इंज खुमस मकू मिलया इंज खुमस मकू मिलया रंगीन होया जुल्फा तनसीना नहीं लभदा बाबा मैं रुल गई मुझे खल्क में इन आँखों ने क्या क्या देखा पर कहीं से ते पयम बरसाना आका आ देखा हा मुझरे खल्क में मैंने देखा अलियस गए का गला खून में तय मैंने देखा अलियस गला खून में तय मैंने जख्मी अली अकबर का कलेजा आ देखा मैंने जख्मी अली अकबर का कले जा आ देखा मुझे खल्क में गिर पड़े से ते नबी थाम के हाथों से जी गए गिर
गिर पड़े सिप्ते नबी थाम के हाथों सज गए मैंने अकबर को जो रेती पे तड़पता देखा मैंने अकबर को जो रेती पे तड़पता देखा मुझे खैक में एक गठड़ी शाहदी पुश्त पे लाए मैंने टुकड़े हुए कासिम का सरापा देखा मैंने टुकड़े हुए कासिम का सरापा देखा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मैदान करबला में कुर्बानी दी, अपने आवान अनसार की कुर्बानी दी फ़कत और फ़कत इस्लाम को बचाने के लिए। आज मसाजिद आबाद हैं, आज आज़ानें हो रही हैं, आज नमाज जुमा कायम है, आज मसाजिद आबाद हैं। ये सदका है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के उस सजदे का जो सहराए करबला पर इमाम मज़लूम ने सजदा किया है। आप समझते हैं ना कि इबादत का जो अजर है वो हालात के साथ बदलता रहता है, लेकिन आप अंदाज़ा कीजिए कि जवानों की लाशें उठा उठा कर तकरीबन 71 लाशें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उठाई हैं, लेकिन जब वक्त नमाज आया तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने सर को सजदे में रखा। बस मैं सजदे से आगे मसाहिब को ले जाऊंगा। अजादारो, जब नमाज का वक्त हुआ, यही वक्त है जो आखिरी सजदा इमाम हुसैन ने जब जमीन करबला पे किया। हुसैन का जिस्म जख्मों से चूर था, हुसैन मजलूम करबला का जिस्म जो था वो जख्मों से दूर था। खुदा की कसम मुसलमानों, हज़रत आदम से लेकर खातम तक और खातम से लेकर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम तक पूरी कायनात हुसैन का सजदा देख रही थी। जब हुसैन सजदे में थे, सुभान रब्बियल आला व बिहम्दही पढ़ रहे थे, हुसैन सजदे में थे, या एक आवाज़ आती है आसमान की तरफ से कि पालने वाले परवरदिगार मैं भी हुसैन का सजदा देखना आता हूं, तो आवाज आई तू कौन है? कहा मैं सूरज हूं, मैं सूरज हूं, मैं भी हुसैन का सजदा देखना चाहता हूं। आवाज तौहीद आती है, सूरज आदम से लेकर खातम तक सारे नबी मेरे हुसैन का सजदा देख रहे हैं, तू भी हुसैन का सजदा देख ले। और नौजवानों, सूरज ने कहा परवरदिगार मैं आज आसमान पे खड़े होकर नहीं, करीब जाके सजदा देखना चाहता हूँ। करबला की गर्मी को अंदाज़ा कीजिए। अब लिखते हैं मुसलमान के सूरज सवा नेजे के करीब आया, जो सारी तमाजत हुसैन के जिस्म पर पड़ी, हुसैन ने सजदा नहीं छोड़ा, हुसैन ने अपना सीना नंगा किया, रोकर कहते सूरज तेरी गर्मी अकबर की जवानी से ज्यादा सदमा नहीं है। अजरो कमल अल्लाह
आजादार और सूरज की तमाजत बढ़ती गई, हुसैन का सजदा लंबो होता गया। जब सारी गर्मी जिसमें अतर हुसैन पर पड़ी, हुसैन ने अपने सीने को नंगा किया और रोकर कहते, सूरज तेरी गर्मी अकबर की जवानी से तो ज्यादा सदमा नहीं है। जो अकबर की जवानी का सदमा बर्दाश्त कर गया है, आजादारो इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सजदा जो है वो शुरू हुआ। किसी शायर ने कहा है कि ना मस्जिद में ना बैतुल्लाह की दीवारों के साए में, अरे नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। मुसलमानों बताओ तो सही, तारीख इस्लाम में कोई तुम्हारे पास ऐसा मुजाहिद है जो तलवारों के साए में सजदा कर रहा है? ये औलाद अबू तालिब है या अली ने सजदा किया तो सर पे तलवार लगी, या ये हुसैन है जो सजदे में सर को कटा रहा है? आजादारान इमाम मजलूम, इमाम हुसैन ने सर को सजदा में रखा। आजादार उमर इब्ने साद ने कहा कि कौन है जो हुसैन को कत्ल करे? आजादार एक ईसाई नसरानी कहते, जी मैं ये काम करता हूँ। जब नसरानी हुसैन के सर को जुदा करने के लिए हुसैन के करीब गया ना, जनाब फिजा खैमा में थी, देखकर कहती, या कज़ादी ज़ैनब, अब हुसैन नहीं बचेगा, क्योंकि एक ईसाई है जो हुसैन का सर कलम करने के लिए गया है। आजादार जब ईसाई हुसैन के करीब पहुंचा ना, तो हुसैन उसको देखकर कहते हैं, मुझे पहचान के मारना, मैं मुबाहले वाला हुसैन हूँ। अल्लाह, पहचान के मारना, मैं मुबाहले वाला हुसैन हूँ। या आजादारू या ईसाई वहाँ से भागा। फिर एक और बंदा आता है इमाम हुसैन को कत्ल करने के लिए। जब आया ना, हुसैन के करीब आया, हुसैन की आंखों में देखा, मुस्तफ़ा भी रो रहे हैं, मुर्तजा भी रो रहे हैं, जहरा जन्नतुल बकी छोड़ के आ गई, जनाब जहरा भी रो रही है। या आजादारो ये भी वापस गया। या आखिर में खुदा इस पर लानत करे, ये शेमरे मलऊन आया। आजादारो पहले हुसैन के सीने पे सवार हुआ, हुसैन ने फरमाया सीना जरा नंगा कर। जब नंगा किया, हुसैन कहते, मेरे नाना ने सच कहा था, जो अलामतें बताई थी। आजादारों इसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर शब व सितम करना शुरू किया। या आजादारों, ये हुसैन को कत्ल करना चाहता है, मेरे मौला के बालों को पकड़ा। आजादारों खंजर को चलाने लगा। हुसैन का सर कभी दाएं फिर जाता है, हुसैन का सर कभी बाएं फिर जाता है। बस आजादारों शिमर का खंजर चला, जमीन करबला को जलजला आया, सियाह आंधियाँ चलने लगी, सितारे टूट कर जमीन करबला पे आने लगे। जिब्रील ने अर्श पर आवाज दी, अला कद कोतल हुसैन, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। जिब्रील ने अर्श पे आवाज दी, अला कद कोतल हुसैन, अला जोबे हल हुसैन, आजादार हुसैन मारे गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आजादारो, ये जो मौला का घोड़ा है ना, जब मैं कहूँगा ये आएगा, ये रसूल की सवारी है, इसका नाम मुर्तजज़ है, इसको जुलजना क्यों कहते हैं? आजादारो हुसैन के घोड़े से गिरने से पहले ये मुर्तजज़ था। जब हुसैन ज़मीन करबला पे आए, इस घोड़े ने हुसैन का तवाफ शुरू किया। लोग तीर मारते रहे, हर तीर को इस घोड़े ने अपने जिस्म पर लिया, इतने तीर लगे, देखने वाले कहते थे ये घोड़े के पर हैं, इसलिए इसको जुलजना कहते हैं। आजादार हुसैन शहीद हो गए। अब दो जुमले मसाहिब के सुन लो। हुसैन शहीद हो गए, दो चीज़ें हैं मुसलमानों जिन्होंने कत्ले हुसैन की खबर दी। जब हुसैन शहीद हो गए, हुसैन का सर जुदा हो गया, एक सफ़ेद रंग का कबूतर है, अल्लाह जाने कोई फरिश्ता होगा। जब हुसैन शहीद हो गए ना, अपने परों को खून हुसैन से रंगीन किया, रंगीन करके उड़ता हुआ रोज़ा रसूल पर गया, जाकर कहते, सैयद अरबी तेरे हुसैन का खून लाया हूँ।
तेरा बेटा मारा गया आजाद, और एक ये जुलजला है जो अभी सामने आएगा, लेकिन उसमें हुसैन नहीं होगा। इसने अपनी पेशानी को खून हुसैन से रंगीन किया। दौड़ता हुआ खैमा पे आया, जनाबे सकीना ने देखा मेरे बाबा का घोड़ा आ गया। कहते फूफी हमें इजाजत है, मैं बाबे को जाके मिल लूं। सकीना बाहर आई, क्या देखा? घोड़ा है, हुसैन नहीं है। सकीना आगे बढ़ी, घोड़े की लगाम में हाथ डाला, देखकर कहते घोड़े बता, मेरे बाबा को मारने से पहले किसी ने पानी भी दिया कि नहीं? जुलजना कहता सकीना तेरा बाबा प्यासा मारा गया, जेरे खंजर भी किसी ने हुसैन को पानी नहीं दिया। मात में हुसैन। इमामी मिशन ईस्ट लंदन में 10 मुहर्रम का जुलूस जो है ख़त्म पजीर होने जा रहा है, और मातमदार बहुत बेहतरीन अंदाज में मातमदारी कर रहे हैं, और ये सिलसिला पहली मुहर्रम से जारी था। 10 मुहर्रम को ये जो ख़त्म पजीर हो रहा है। आज इस जुलूस में हज़ारों की तादाद में लोग शरीक हुए, सिर्फ मर्द ख़वातीन नहीं बल्कि मासूम बच्चे और बड़ी तादाद में बीमार लोग भी शरीक हुए। और मेरे साथ इमामी मिशन ईस्ट लंदन के सदर मौजूद हैं। इनकी बड़ी खिदमात हैं, इन्होंने बहुत लंबे अरसे से इस फर्श अज़ा को बिछाया हुआ है और बेहतरीन अंदाज में अज़ादारी फरमाते हैं। आदिल शाह साहब से भी जानता हूँ। आदिल साहब, शाह साहब बताइएगा, आज के जुलूस में आज बहुत बड़ी तादाद लोगों की शरीक हुई, किस तरह से देखते हैं आज तकरीबन 44 साल बाद? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आदिल हुसैन शाह इमामिया मिशन न्यूबरी पार्क। ये एक रोज़ रोशन हकीकत है कि मौला हुसैन के जिक्र को दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की मिल रही है, और यह वादा अल्लाह का है। ये बंदे का वादा तो है ही नहीं कि तू मेरा जिक्र कर, मैं तेरा जिक्र करूँगा। और जिस तरह मौला हुसैन ने जिक्र अल्लाह ताला किया और रसूल का जिक्र किया, कोई कायनात में मुझे दिखा दें ऐसा इंसान जिसने इस तरह का दीन इस्लाम के परचम को बुलंद किया हो। मौला हुसैन ने खाली जान नहीं दी, जान दी, माल दिया, बहनों के पर्दे दिए और सर बुलंद किया अल्लाह का दीन और मोहम्मद का कलमा, मोहम्मद रसूल अल्लाह। ये हदायत टीवी यही तो हदायत करता है कि पहचानो इस्लाम को बचाने में सबसे ज़्यादा खर्च किसका हुआ। तो सवाय अबू तालिब और इमरान अलैहिस्सलाम के घर के कुर्बानी किसने दी? बहुत से लोग आए जो तख्त पर बैठने के ख्वाहिशमंद थे, लेकिन जान किसने दी, माल किसने दिया, सब कुछ कुर्बान करके बचाया किसको? लाइला को। अपने लिए तो कुछ ना बचाया, अपना सब कुछ दे दिया। अदायत को अल्लाह ताला और तरक्की दे। और ये जो जिक्र सैयद और शहदा का आप जिक्र बुलंद सर बुलंद कर रहे हैं, इसको आपको अजर अजीम अता फरमाए। ये खाली टीवी का प्रोग्राम नहीं है, कोई चैनल नहीं चल रहा, ये आप अजर रसालत अदा कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह इसका मौला हुसैन आपको अजर देंगे, बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा आपको अजर देंगे। शाह साहब, पिछले जो 3 साल 4 साल गुजरे वो कोविड-19 के हवाले से बड़े दर्दनाक थे, बहुत लोग कम होते थे, बड़ा मुश्किल था जुलूसों को अरेंज करना। आज 3 साल बाद ये जो जुलूस इस वक्त आपने अरेंज किया है, इसको किस तरह से देखते हैं? क्योंकि वो भी बड़ा मुश्किल लगता, बहुत सारी मुश्किल आपको उस दौर में आई होंगी, तो अब आप इसको कैसे देखते हैं आज के जुलूस को? आज का तो जुलूस है एक मिसाली जुलूस था, जिसका आप पिछले मामलात से कंपेरिजन नहीं कर सकते। आज बहुत ही ज़्यादा तादाद थी, हमारी तवक्को से बहुत ज़्यादा थी, तो इसमें दिन ब दिन बढ़ावा है और इंशाल्लाह और तरक्की होगी। और ये जो रेड ब्रिज काउंसिल है वो किस हद तक आपके साथ है? बहुत तामन, उनका बहुत तामन, आपने देखा होगा उन्होंने हमें कोई परेशानी नहीं दी, उनका कोई बंदा हमारी मुश्किलात हमारे लिए पैदा नहीं करता, बल्कि हर असिस्टेंस देते हैं हमें। और जो पुलिस यहाँ की पुलिस का जो निज़ाम था वो कैसा था, कितने पुलिस का? रिमार्कबल एटीट्यूड था, और उन्होंने हमें फुल फ्रीडम दी है। कोरोना के वक्त में ज़ाहिर जो रेड बिल काउंसिल जो थी उस वक्त आपसे बड़ी मुतमईन हुई थी, उसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताइए कि किस हद तक उन्होंने आपको अप्रिशिएट किया उस वक्त में? उस मुश्किल वक्त में सब रिस्ट्रिक्शन के बावजूद उन्होंने हमारे साथ बहुत तामन किया था, और हमें जुलूस की इजाज़त दी थी, जबकि पूरे यूके में कहीं इजाज़त नहीं थी और सिर्फ हमारा जुलूस बरामद हुआ था। तो हम बहुत मशकूर हैं हमारी लोकल रेड ब्रिज काउंसिल के, लोकल पुलिस के, और
तमाम मोमिनीन और मोमिनात के जो यहाँ तशरीफ़ लाते हैं और इसको कामयाब करते हैं। हज़रत इमाम मज़लूम करबला बहुत बड़ी तादाद में और देखा गया छोटे बच्चे, ख़वातीन, बुज़ुर्ग, डिसेबल लोग आए, और सिर्फ ये मैं जानना चाहता हूँ कि लंदन से बाहर से भी लोग काफ़ी ज़्यादा तादाद में, और उनके लिए कोई पैगाम जो मोमिनीन बाहर से यहाँ आए थे और वो मोमिनीन जो यहाँ से मुसलसल आपके पूरे अशरे में शरीक होते हैं, सबके बहुत मशकूर हैं और उनको कहते हैं कि यहाँ तशरीफ़ लाते रहें। अब मैंने दुआ कर, जनाब ये जनाब आदिल शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अज़हर किरमाईन साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। अज़हर किरमाईन साहब से जानता हूँ, किरमाईन साहब आपने ये जुलूस अज़हर देखा, इसके बारे में कुछ कहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं इमाम मिशन के जुलूस के अंतर हूँ और मैं इमाम मिशन के प्लेटफॉर्म से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ा अच्छी अज़ादारी रही है और बहुत अच्छा जुलूस निकला है और ये मौला की अज़ादारी है। तमाम मुसलमानों ने आके और गैर मुस्लिम ने भी इस आके इस जुलूस में शिरकत की, अज़ादारी में शिरकत की, न्याज का और तबरुक का इंतज़ाम किया। मौला इनके बरकत में इजाफा अता करे और उनको तौफीक अता करे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। जो इमाम मिशन ईस्ट लंदन है इसके सदर और जो कि बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं पहली मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक, निज़ामत के फ़रज़ के साथ साथ ज़ाकर के बेहतरीन फ़रज़ अंजाम देते हैं और मुसलसल जो है पूरे 10 दिन से आज तक मुसलसल, ये ज़ाहिर मैं समझता हूँ कि आराम का एक दिन भी इन्हें मैसर नहीं हुआ होगा। और ज़ाहिर क्यों, क्योंकि अहले बैत के चाहने वाले हैं, आराम तो इन आयाम में है नहीं। लेकिन साजिद नकवी साहब जो ज़ाकर अहले बैत हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। शाह साहब मुझे बताइएगा कि ये अयाम कैसे गुजरे इमाम मिशन में। हमारी जीस्त को जिसने सुकून बख्शा है, मिला है दर्द वो शब्बीर के फसाने में, यजीद आज भी मिलते हैं हर कदम पे करम, हुसैन एक ही पैदा हुआ ज़माने। 1444 हिजरी के अशराए मुहर्रम अलराम के अख्तिताम पर आज आप योम आशूरा को यहाँ इमामिया मिशन में लंदन की सरजमीन पर तकरीबन 39th जुलूस आपने समात फरमाया, आपने ना देखा। ये मकसद था इस जुलूस का कि मज़लूम के हक में एहतजाज करना, जालम के ख़िलाफ़ मज़लूम के हक में एहतजाज आज आपने देखा। और ये वो एहतजाज था कि जो आज से 1400 साल पहले करबला की सरजमीन पे जो सानिया हुआ था, जबकि एक आम फ़र्द उठ के ये चाहता था कि वो शरीयत मोहम्मदी में तब्दीली कर दे, वो अपनी मर्ज़ी की शरीयत को नाफज करना चाहता था, उसका इस्लाम उसकी मर्ज़ी के था। इससे पहले उसने कोशिश की लेकिन वो कामयाब ना हो सका, लेकिन सईद शोदा ने ऐसा मोर लगा दिया इस पर कि आज उसके बाद यानी 61 हिजरी के बाद आज तक किसी की जरूरत नहीं कि कोई आके इसमें तब्दीली करे। मैं हिदायत टीवी का खसूसन तय दिल से ममनून हूँ कि उन्होंने हमेशा की तरह इस पूरे सिलसिले को कवरेज किया और उन उलमा का, ज़ाकरीन का जिन्होंने हमारे साथ तामल फरमाया, हिदायत टीवी की तमाम जितनी भी उनकी टीम है, कैमरामैन गिल साहब, इमरान नकवी, इसरार शाह जी, जितने लोगों ने काम किया, मौला उनकी तौफीकात में इजाफा फरमाए, मौलाना साहब किबला और जनाब मेजर साहब, उनको हम बहुत बहुत उनके भी मशकूर हैं। जो भी उन्होंने किया कुर्बतन लिल्लाह किया, मौला उनको इसका अजर देगा। शाह साहब एक और चीज़ के मुसलसल माशाल्लाह इजाफा हो रहा है और ये साल कोविड-19 के बाद आया जिसमें आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी बिल्कुल भी, तो आज इस आज के जुलूस को और ये अशरा पूरा गुजरा इमाम मिशन में, इसको किस तरह से देखते हैं आप? ये कोविड के बाद जो ये जो जुलूस आया आपने देखा पिछले साल से, ये इतना बड़ा था कि हमारे लिए मुश्किल हो गया था, तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह इसको कवरेज किया। लेकिन लगता ऐसा है कि अगले साल ये जगह इससे भी ज़्यादा बड़ी करनी पड़ेगी। जो हमने बड़ा तीर मारा था कि बड़ी जगह लेंगे, अब इतने मोमिनीन हो चुके हैं कि जगह जगह पे अज़ा खाने हैं, लेकिन फिर भी जगह कम हो रही है और वो ऐसा ही होगा। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। लबैक या हुसैन। जैसे कि आपने आज देखा कि जुलूस में कितने लोग थे, माशाल्लाह माशाल्लाह, लास्ट ईयर से भी आज ज़्यादा लोग थे, औरतें भी थे, बच्चे भी थे। जैसे कि आप जानते हैं कि हम इमाम हुसैन को रिप्रेजेंट करते हैं, जुलूस 10वीं मुहर्रम का हम हमेशा जुलूस निकालते हैं। तो मैं ये बस कहना चाहती हूँ कि लड़कियों ने और लड़कों ने बहुत अच्छा काम किया आज, लोगों ने भी बहुत तआवुन किए, सब लोगों ने सुनी हमारी बात कि जब हम
हुसैन लाग बैत कह रहे थे, सब आवाज़ें भी दे रहे थे, सब ने नोहे भी पढ़े हैं। आज शूरा का दिन है, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का दिन है, और साथ में उनके जितनी भी उनकी फैमिली है, किस तरह उनको भूखा प्यासा ज़िबह किया गया, किस तरह उन पर जुल्म ढाए गए, किस तरह बीबियों को सताया गया, उनकी चादरें छीनी गई। हम खराज तहसीन पेश करते हैं इस इमामिया मिशन को, जिन्होंने ये मुनक़द किया। हम सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए और हमने दिल खोल के मौला हुसैन को पुरसा दिया। हमारी लेडीज़ की मजालस भी माशाल्लाह से ज़बरदस्त होती रही हैं, हमारे गुलेज़ारा साहिबा पढ़ती रही हैं, और उन्होंने बहुत हमारे इल्म में इजाफ़ा किया है, और उनके मुसाहिब भी बहुत अच्छे थे। अब जबकि सुबह को वो अपना मौला की शहादत का हमें दर्स दे के गई हैं कि कहाँ पे सब्र करना चाहिए और कहाँ पे शुक्र करना चाहिए, और हमारे मौला ने किस तरह सब्र और शुक्र किया, और इतने मजालम सहने के बावजूद भी वो हिम्मत नहीं हारे। तो हमें ये बेहतरीन दर्स मिलता है मौला की कुर्बानी से, लेकिन हम मौला के दर्द में मुकम्मल तौर पर शरीक हैं, और जब तक हम जिंदा रहेंगे हम आज़ादारी करते रहेंगे और मौला का मातम करते रहेंगे। और हम तहे दिल से मशकूर हैं सैयद आदिल हुसैन शाह, साजिद हुसैन शाह, मुबशर तैयब, और हमारी जितनी भी मर्दाना टीम है, उनकी वजह से हम लेडीज़ को इतनी ज़्यादा सहूलत मिली है कि हमने बेहतरीन तरीके से अपनी मजालस जो है वो की है। और हम हदायत टीवी के बेहद शुक्रगुजार हैं कि वो हर मौके पे जब भी हमारी मजालस होती हैं, मिलाद होते हैं, वो हमें कवर करते हैं और हम मुस्तफीद होते हैं। हदायत टीवी बेहतरीन चैनल है, हम घर में भी बैठ के देखते हैं, और जब भी हमें किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होती, हमें हर तरह के मजालस नोहे हर किस्म का इल्म वहाँ से मिलता है। मौला हदायत टीवी को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे, आमीन। लबैक या हुसैन, लबैक या हुसैन, लबैक या हुसैन, हुसैन।